हेलो फ्रेंड, आई एम खुशी। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंगआउट के बारे में, लाइक गूगल हैंगआउट होता क्या है, गूगल हैंगआउट का यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं हैंगआउट का मीनिंग क्या होता है। फिर हैंगआउट क्या होता है, हैंगआउट कभी भी आप अकेले नहीं करोगे। हैंगआउट के लिए आपको दो या तीन लोग या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से जिनके साथ आप डिस्कस करोगे, लाइक चैट कर पाओगे या फिर अपने इमोशन अपने फीलिंग को शेयर कर पाओगे। तो फ्रेंड, अगर गूगल की लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे तो गूगल हैंगआउट भी क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, होता है प्रोफेशनली भी आप यहाँ पे बातें कर सकते हो। सो फ्रेंड, थोड़ा सा डिटेल में आज हम देखने वाले गूगल हैंगआउट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइक आप ये गूगल हैंगआउट अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो। लाइक मोबाइल में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, लाइक आजकल तो हर एक स्मार्टफोन में क्या होता है फ्रेंड, गूगल हैंगआउट होता है। बट स्टिल अगर आपके फोन में अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से लगे कभी गूगल हैंगआउट को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ सबसे पहले गूगल हैंगआउट दिखता कैसा, उसका इमेजेस कैसा है, सो दैट आपको कुछ डाउट ना हो। तो फ्रेंड, ये क्या है, गूगल हैंगआउट का एक साइन है, गूगल हैंगआउट का एप्लीकेशन ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा आप प्ले स्टोर पे करके क्या कर सकते हो, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इवन अगर आपको लैपटॉप या फिर पीसी पे करना है, वहाँ पे अगर हैंगआउट नहीं है तो आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको हैंगआउट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड फ्रेंड, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कोई भी प्रॉपर आपका जीमेल आईडी देना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसी उस पर एक्सेस कर पाओगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं क्या की हूँ ऑलरेडी यहाँ पे हैंगआउट को मैंने क्या करके रखा, सॉरी इट्स नॉट अबाउट हैंगआउट, मैंने जीमेल को क्या करके रखा है, यहाँ पे लॉग इन करके रखा है। अब हम देखेंगे गूगल हैंगआउट के बारे में। तो फ्रेंड, सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एकदम यहाँ पे हैंगआउट कन्वर्सेशन दिखा रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने कितना कम्युनिकेट किया है या फिर नहीं किया है। साइड में हैंगआउट कॉन्टैक्ट है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अभी हैंगआउट कॉन्टैक्ट तो फिलहाल ये मेरे दो ही हैं, अगर आपके पास और भी है तो आप हैंगआउट कॉन्टैक्ट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड बेसिकली फिर ये क्या है मेरा हैंगआउट का, ये मेरा हैंगआउट यहाँ से स्टार्ट है। फिर यहाँ पे एक और हिडन फीचर है, यहाँ पे आप अपना एक व्हाट्सअप, लाइक व्हाट्सअप जैसा आप अपने यहाँ पे स्टेटस भी डाल सकते हो। पेजेस में आपको बता रहा हूँ डालने के लिए, आप डाल सकते हो, हिडन फीचर्स है। बट बेसिकली प्रोफेशनली या फिर नॉर्मली हम यहाँ पे हैंगआउट पे स्टेटस नहीं डालते, बट स्टिल अगर आपको डालना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो चाहे आप कोई भी स्टेटस यहाँ पे रख सकते हो, सपोज मैंने ये रखा है एंटर प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या हो गया, चेंजेस हो गया। देन फ्रेंड, इसकी सेटिंग आप देखेंगे और क्या है, शो व्हेन यू वेयर लास्ट एक्टिव, आप लास्ट एक्टिव थे या नहीं थे वो आपके फ्रेंड्स को दिखाई देगा। देन शो विच डिवाइस यू आर ऑन, लाइक आप किस डिवाइस पे एक्टिव थे, आप फोन पे थे, टैबलेट पे थे या फिर कंप्यूटर पे थे, तो सारी चीजें फ्रेंड यहाँ पे दिखाई देगी। देन नोटिफिकेशन के लिए भी है साउंड फॉर इनकमिंग मैसेजेस, सपोज आपको हैंगआउट पे कोई मैसेज कर रहा है तो एटलीस्ट आपको नोटिफाई होगा, कुछ लाइक आवाज आएगी, कुछ साउंड आएगा, सो दैट आपको समझ में आएगी हैंगआउट पे क्या आया, आपको मैसेज आ गया। देन रिंग ऑन इनकमिंग फोन कॉल, इनकमिंग फोन कॉल पे भी आपको क्या जाएगा, यहाँ पे रिंग आ जाएगा, आप यहाँ पे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू इमोजी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देन फ्रेंड, यहाँ पे आप इस चैट को हाइड भी कर सकते हो। देन इनविटेशन, फ्रेंड हम लोग इनविटेशन में लाइक मुझे किसने इनवाइट किया है, किसने रिक्वेस्ट भेजा है एक्सेप्ट करने के लिए, वो इनविटेशन यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल के लिए किसी ने नहीं किया तो नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है वहाँ पे। इन्विटेशन का हमने देखा, आप हिडन कॉन्टैक्ट किसी भी कॉन्टैक्ट को आप हाइड भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जो भी मेरा है उसमें से किसी का एक मुझे क्या करना, हाइड करना जब चाहे तब मुझे अनहाइड भी कर सकती हूँ। यहाँ पे ब्लॉक पीपल का भी ऑप्शन है, किसी का लाइक गलती से कुछ ऐड हो गया है, कोई अकाउंट गलती से ऐड हो गया फिर आपको उससे बात नहीं करना, तो उस पर्सन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हो। देन फिर यहाँ पे आपको साइन आउट ऑफ हैंग आउट का भी ऑप्शन है। फ्रेंड, ये था सिंपली देखा हमने क्या क्या था। एंड फ्रेंड, यहाँ से हम देखते हैं लोगों को हम कैसे इन्वाइट करेंगे, कॉन्टैक्ट कैसे बनाओगे। तो फ्रेंड, अगर आपको आपके पास उनका नाम है या फिर प्रॉपर ईमेल एड्रेस है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को इनवाइट कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड, आप उस पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड करोगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जैसे वो पर्सन क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, देन ओनली आप क्या कर सकते हो, हैंगआउट पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आप उनसे बात नहीं कर सकते। देन फ्रेंड, एक और फीचर है, आप यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 लोगों के साथ या फिर 4-5 लोगों के साथ सेम बातें करना है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन पर्सन को मैसेज सेंड करने से अच्छा आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्रुप बना लोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे। तो फिर ये दो चीजें यहाँ पे थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड किया है, इनविटेशन पेंडिंग, अभी तक उस पर्सन ने क्या किया, मेरा इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट नहीं किया तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कोई मैसेज भी उसको सेंड नहीं कर सकती, जैसे वो एक्सेप्ट करेगा मैसेज कर दूंगी। लाइक सेकंड आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, मैं उस पर्सन को मैसेज सेंड कर सकती हूँ बिकॉज उसने मेरा रिक्वेस्ट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया।
एंड फ्रेंड यहाँ पे सपोज एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मुझे उस मैसेज को डिलीट करना है सो दैट कोई पढ़े ना, कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज्यादा मेरा बॉक्स फुल हो गया, तो मैं अपने कन्वर्सेशन को क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे डिलीट भी कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हो मेरा कन्वर्सेशन क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैं आपको अगेन बताती हूँ, सपोज इस पर्सन के साथ मैंने कुछ चैट किया, ऐड करने के बाद हो सकता है कि मेरा बॉक्स फुल हो गया और बहुत सारे मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है या फिर मुझे वो हाइड ही करना है किसी के थ्रू, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगी, राइट हैंड साइड में जाके डिलीट कन्वर्सेशन कर दूंगी। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ब्लॉक का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली ये था आप कैसे इन्वाइट करोगे, इन्वाइट करने के बाद आप कैसे मतलब ब्लॉक भी कर सकते हो, किसने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया वो भी आप देख सकते हो, आप स्टेटस कैसे डाल सकते हो। स्टेटस का तो ये हिडन फीचर है, लाइक बेसिकली हैंग आउट पे हम यूज़ नहीं करते, बट स्टिल जस्ट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने क्या किया उसको भी यहाँ पे कर दिया है। एंड फ्रेंड अब हम देखते हैं कि लाइक गूगल हैंग आउट के थ्रू हम लोग किसी को वीडियो कॉल कैसे करेंगे, वीडियो कॉल के साथ साथ आप अपने स्क्रीन को कैसे शेयर करोगे। मेन और बेसिक मुद्दा मेरा वही था कि गूगल हैंग आउट के थ्रू आप अपना स्क्रीन शेयर करके लोगों के डाउट को कैसे सॉल्व करोगे। डाउट को सॉल्व करना इन द सेंस फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है आप ओवर द फोन पे या फिर उसको कम्युनिकेट करके या फिर मैसेज के थ्रू कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हो, बट फ्रेंड उसको समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी बहुत ज़्यादा आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो बेसिकली फ्रेंड क्या होगा, जैसे आपने स्क्रीन शेयर किया हो सकता है आप दोनों के लिए क्या होगा, वो बेनिफिटेड होगा, आपका भी टाइम कम जाएगा और सामने वाले को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे वीडियो कॉल का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड मैं यहाँ पे हाइड करके रख रही हूँ सो दैट दिखाई ना दे। फ्रेंड मैंने इसको भी क्या करके रखा, हाइड करके रखा। ये करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन कैसे शेयर करोगे, आपका फुल स्क्रीन आप चैट वगैरह कैसे करोगे। तो फ्रेंड ऐसे आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल के ऑप्शन में जा, वीडियो कॉल जैसे आप करोगे आपको चाहिए तो आप उसको म्यूट कर दो या फिर आपके वीडियो को भी हाइड कर दो। एंड जैसे आप करोगे आपको राइट हैंड साइड में थ्री डॉट्स दिखेगा, तो फ्रेंड जैसे वो थ्री डॉट्स दिखेगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपको अपना स्क्रीन शेयर करना है या नहीं करना है। स्क्रीन शेयर करने में भी ऑप्शन होगा, फ्रेंड आपको फुल स्क्रीन शेयर करना है या फिर वही एप्लीकेशन पर शेयर करना है। मैं आपको किसी एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे हो सकता है मेरा आवाज, फ्रेंड यहाँ पे मेरा आवाज नहीं आएगा पर आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन शेयर एप्लीकेशन विंडो और एंटायर स्क्रीन। तो फ्रेंड आई नो आपको आवाज नहीं आ रहा होगा बीच में, सिंपल से मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, आपको वीडियो के ऑप्शन में जाना है। देन जैसे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपको चाहिए तो अपने आप साइड भी कर सकते हो। देन आपके राइट हैंड साइड में जो थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपको स्क्रीन शेयरिंग का, आपको फुल स्क्रीन शेयर करना है या ऐप विंडो का शेयर करना है। देन आफ्टर दैट आप वहाँ से अपने काम कर सकते हो एंड दैट डाउट एंड क्वेरी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड बेसिकली आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, लोगों के इन्विटेशन भी देख सकते हो कि लाइक कि कौन किसने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, सो दैट आप एक्सेप्ट करो एंड आप उनके साथ बात कर सकते हो। और फ्रेंड जब तक आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, सामने वाले पार्टी ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सेम किसी और ने आपको रिक्वेस्ट भेजा और आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप बात नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अभी तक मैंने रिक्वेस्ट भेजा है बट मेरा इन्विटेशन क्या है पेंडिंग आ रहा है, अभी तक वहाँ से एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, मैं कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इन्विटेशन है मैसेज को पे भी जाता नहीं, जबकि यहाँ पे मैसेज के लिए पेस है बिकॉज ये पर्सन ने क्या किया, मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो फ्रेंड एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो पाएगा। फ्रेंड अगर आप ये मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में आपको ऑडियो एंड वीडियो दोनों ऑप्शन होता है, यहाँ पे वीडियो का ही ऑप्शन है लैपटॉप पे। तो फ्रेंड बेसिकली आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, आज के लिए इतना है।